मोबाइल लूट और बाइक चोरी के शातिर अपराधी को उज्जैन की माधव नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो दिन पहले ऋषि नगर में युवती के हाथ से मोबाइल छीनकर आरोपी युवक भागा था। नशे की लत के लिए आरोपी मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस आरोपी को पकड़ने जब उसके घर पहुंची तो आरोपी छत पर से कूद गया, जिससे उसके पैरों में चोट आई है। आरोपी से एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 16 प्रकरण दर्ज हैं। माधव नगर पुलिस ने फरियादी दीपा सेन की रिपोर्ट के 48 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये 24 तारीख बच्ची थी, ऋषि नगर में पढ़ती थी, तो वहाँ से वो जा रही थी रास्ते से, तो एक व्यक्ति आया, उसने छीना झपटी करके उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करी। इस प्रयास में उसने मोबाइल छीन लिया, बट लड़की ने काफ़ी संघर्ष किया तो उसको पाँव में, कमर में काफ़ी चोट भी आई। तो क्योंकि मामला बहुत सीरियस दिखा हमको, तो हमने इस पर लूट की कार्रवाई करी। लूट की कार्रवाई करने के पश्चात हमने CCTV फुटेज देखे, लड़की से भी आरोपी का हुलिया जानने का प्रयास किया। उस हिसाब से जो हुलिया हमारे सामने आया उसको हमने राउंडअप किया। राउंडअप करने के बाद उससे हमने पूछताछ करी, उसने अपना जुर्म भी कबूला, साथ में उससे जो लड़की का मोबाइल था वो भी जब्त हुआ, और जो मोटरसाइकिल जो उसने चुराई थी पुष्पा मिशन से वो भी हमने जब्त कर ली। पूर्व में इस पर 17 अपराध पंजीबद्ध हैं। समय समय पर पुलिस ने इसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है, जैसे इसका दो बार जिला बदर भी पेश किया गया है। और बेसिकली ये जो अपराध करता था उसका मेन रीज़न नशा है, ड्रग एडिक्शन है, ये स्मैक का सेवन करता था। और स्मैक का सेवन करने के लिए इसको पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, तो इसलिए हमेशा चोरी की वारदात किया जाता था। जब पुलिस इसको अरेस्ट करने के लिए गई थी तो उसको पता चल गया, तो उसने भागने का प्रयास किया, और प्रयास करते टाइम इसने एक 10 से 15 फीट की दीवार टूटने का प्रयास किया। प्रयास करते वक्त इसके पाँव में चोट आ गई, पुलिस ने इसका तुरंत उपचार किया, इसको हॉस्पिटल भेजा, उसके बाद इसको थाने को ले गया। बता दें कि आरोपी पर गुंडा सूची और दो बार रासुका की कार्रवाई हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।